ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। बंदी दे प्रति मेरी सोच बिल्कुल सही साबित हो गई है। ओ अपने आप नू मल्टी टैलेंटेड समझती है, अपने आप नू सर्वगुण संपन्न समझती है, अपने आप नू सब तो वड्डी एक्ट्रेस समझती है, अपने आप नू सब तो वड्डी देश भगत समझती है, पर ओदियां सारियां गल्लां गलत साबित होईयां ने। ओ बंदी मैं कहना भाजी की दसा ओहदे बारे, ओ कहिंदी है कि हर बंदा मेरे नालों थल्ले है और हर एक दी लापा करके छड्डदी है। पिछे जी एक फिल्म रिलीज़ हुई गंगूबाई काठियावाड़ी, जदों फिल्म रिलीज़ होनी सी उस तो पहला ही उन्हें मैं कहना वो फिल्म की बड़ी नखेधी की, बड़ी लापा की, और उस फिल्म दे विच काम करने वाली एक्ट्रेस आलिया भट्ट जिदी हुण सारे बड़ी तारीफ कर रहे ने, कुड़ी ने बड़ी सोहनी एक्टिंग की है, भावें कहानी दे विच थोड़ा बहुत झोल झाल हैगा, पर उस बंदी की गल करिए उन्हें आलिया भट्ट नूं इत्थों तक कह दिता कि ये बेकार एक्टर है। होर तो होर उन्हें यह भी कहा कि इनू एक्टिंग आँदी है नहीं, जिदा आप मैं कहना एक्टिंग की महाराणी होंगी है। और जो मैं शो वेखिया ना भाजी, वह शो वेखण तो बाद मेरे जहन दे विच इको गल आउंदी जे, ये तो टट्टी है। हाँ बिल्कुल एहो ही गल मेरे जहन दे विच आई। और वह शो तो पहला उन्हें ऐसी ऐसी हाइप क्रिएट की, मैं कहना ऐसी हाइप कि इदा का शो दुनिया के किसी ने कभी वेख्या ही नहीं होएगा। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म की गल की, मैं कहना गंगूबाई काठियावाड़ी के नाल नाल गहराइयां फिल्म जिहड़ी दीपिका पादुकोण की रिलीज़ हुई सी उहदी भी बड़ी लापा की, पर अपने आप नू उन्हें इन्ना सुपीरियर दस्या, इन्ना सुपीरियर दस्या कि मैं कहना दसदी है। कंगना रनौत की गल कर दिया तुम चंगी तरह समझ गए होंगे, और उहदे नाल एक होर बंदी रली हुई जे एकता कपूर। एकता कपूर का शो लॉकअप जिहड़ा कंगना रनौत पेश करन दई है, होस्ट बनी हुई है, जदों ये शो आना सी उस तो पहला एकता कपूर ने बड़ी हाइप क्रिएट की थी। आग लगा दी। मैं कहना ऐसी उन्होंने अनाउंसमेंट की थी, उन्होंने कहा कि ऐसा शो दुनिया ने वेख्या नहीं होएगा, ऐसा शो होएगा दुनिया नू हला के रख देगा, दुनिया कंप जाएगी एक्साइटमेंट नाल, वो शो हर रोज वेख्या करेगी, सारे मिलके हमको पागल बना रहे। आर्ट बालाजी एंड MX प्लेयर ते वो शो रिलीज होया, मैं कहना एक बंदा भी उन्हें वेखन नहीं दिया, ऐसा भैड़ा शो, मैं कहना तुम एक बार वेख लोगे ना। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ता पक्की गल है कि तुम दोबारा नहीं वेखोगे, उन्होंने गल बिल्कुल सही है कि आ शो दुनिया ने कभी नहीं वेख्या होगा तो ना ही कोई वेखेगा, एक बार वेखन तो बाद ऐसा मैं कहना बकवास, तुम वेख के यो ही कहना आ की बनाता, तू की वेख लिया। मैं सिर्फ यही फीलिंग आती है उस शो वेखण तो बाद, जिदा इस शो को लैके हाइप क्रिएट की गई, ये कहा गया कि आ शो कमाल होएगा, दुनिया दे विच एक नवा रिकॉर्ड कायम करेगा, बाकी रिकॉर्ड कायम कर दिता, शुक्र करो आ टीवी तो नहीं आया, टीवी तो मैं कहना 1% इनू TRP नहीं मिलनी ही शो नू। आर्ट बालाजी एंड MX प्लेयर से यह शो आता तो मैनू नहीं लगता कोई वेखता होएगा। मैं कहना भाजी ऐसे ऐसे करतब होंगे ने शो दे विच, तुही देखो बंदे सुंगो हाथ लाओ तुही अंदर हो शो दे, ऐसी ऐसिया भैड़िया भैड़िया चीज़ा हो रही ने जिन्हों सोच के लगन दिया। मैं क्यों भाजी मैं 5 मिनट शो वेख्या और 5 मिनट वेखण तो बाद मैं अपने आप कोसन दिया कि मैं अपने 5 मिनट वेस्ट कर लेने, हुण तुही वेखना कि नहीं वेखना यह ताडे ते निर्भर करता। जेकर तुही चैक करना चाहते हो कि बॉलीवुड दादा सही कह दिया कि नहीं, तुम एक बार वो शो वेखो जरूर, तो फिर मैं कमेंट करके दस्यो मैं सही कह दिया कि गलत कह दिया। खैर अहीं अगे वधदे आ, सोशल मीडिया की गल करते हैं, सोशल मीडिया अजकल बहुत वास्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया, मिनटां सकिंटां दे विच असीं इत्थे बैठे समुंदरों पार दीआं गल्लां बातां एक क्लिक ते जाण लैंदे आ, सर्फिंग करते करते मैं कहना सानूं सब कुछ पता लगदा, अंतरयामी बन गया अहीं, सोशल मीडिया साडे हाथ विच हैगा उहदे नाल। और सोशल मीडिया से बहुत कुछ चल रहा, कच्चा बदम चली जाता, झुमे वाली भाभी चली जाती है कि नहीं। और हूँ बबू मान साहब का मैं एक गाँव याद आ,
तू सो के रात गुजार लई, मैं रो के रात गुजार लई। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोल ले? पाजी ये ता एक दुखी हिरदे दुखी दिल वाला जिहड़ा आशक सी उहदे दर्द बयान होए सन इस गाने दे विच, है कि नहीं? पर अजकल जिहड़ा बंदा रो रहा है उन्हूं बहुत कोई गम लग्या वह रोंदा बहुत है, वह बंदा यूट्यूब दे रोए उन्हूं पैसे होणगे, जिहड़ा सौंदा बहुत है वह यूट्यूब ते सोए उन्हूं पैसे बहुत होणगे। मतलब वीडियो बना के यूट्यूब ते पा दे तो बहुत पैसे होणगे। तुसीं हसण डे होंगे कि मैं गलत कहण डिया, वैसे तुसीं तां मेरे नालों ज़्यादा टैलेंटड हो यार, है कि नहीं? यूट्यूब से अजकल सब कुछ वेखदा है और सोशल मीडिया से ये जिहड़ियां इदां दीआं वीडियोज़ ने उन्हां नूं वेखण वालिआं दी भरमार है। मैं कहना जिहड़े बार बार इक्को कच्चे बदाम ते वीडियोज़ वेख सकते हैं, लखां करोड़ां भाभी चुम्मे वालिआं दीआं वीडियो वेख सकते ने, नीटू शटर वाले नूं वेख सकते ने, तो मैं कहना वो किसी नूं सौंदे होए नहीं वेख सकते। क्या बोला तूने? सच्ची भाजी इदां दा इक बंदा हैगा जी जिहड़ा सौ के पैसे कमाउण डिआ, कई रो के पैसे कमाई जाण डे ने। वह बंदा जदों भी रात नूं सौंदा है वो अपना जिहड़ा वीडियो वाला कैमरा है वो अपना कैमरा ऑन रख के सौंदा है, उन्नू विच लोग तंग करदे ने किद्दां उठदा है कुछ भी मतलब इदां वो वीडियो बनाउंदा है ते उन्नू लगातार लोग चार चार घंटे तीन तीन घंटे वेखदे ने उस वीडियो नू। और मैं कहना चार या पांच घंटे सौ के अगला लखां डॉलर कमा लैंदा है, उन्हें तो मैं कहना सौन दे विच नज़ारा आउण डिआ, उन्हें तो कभी जिंदगी दी जागना ही है नहीं। जिन्हों सौ के पैसे कमाउण दा मौका मिलण डिआ वह क्यों जागेगा बंदा? भला तो ही आप सोचो, हुण जिहड़ा बंदा हमेशा रोंदा ही है उन्हूं भी कोई तरीका दसो भी जेकर तू रोना ही है तो यूट्यूब पर आ के रो, वीडियो बना के पा। रोण के भी तरीके अलग अलग तरह के होंगे ने, इदा की भी वीडियो तुम बना के पाओ तो तुम पैसे कमा सकते हो, है कि नहीं? इदा का जमाना आ गया भाजी, तुम लख ज्ञान की गल कर लो, तुम लख समझा की गल कर लो, तुहानू किसी ने नहीं जो पुछना, तुम जो भैड़ा काम कर सकते हो वीडियो बना के पाओ। तुम मैं कहना दिनों च तो मैं ज़्यादा कह दिया, मैं कहना घंटिया के वायरल हो जाना, है कि नहीं? फिर बल्ले बल्ले तुहाडी ये होनी है। खैर जेकर तुहानू ये बल्ले बल्ले बॉलीवुड दादा की चंगी लगी है तो तुसी एक काम करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भुलना, जे गल्लां चंगीआं लगीआं ने तां वी, जे माड़ीआं लगीआं ने तां वी कमेंटां दे विच झड़ी ला दिओ। I'm not interested यार। तुसी अपने बॉलीवुड दादा नू, HSN TV नू एंड कैनेडियन साथ नू अपना प्यार इदां ही दिंदे रहो। कल फिर हाजिर होऊंगा लैके बॉलीवुड फिल्मी गपशप। हुण मैनू दिओ इजाजत, मैं चलदा, उदों तक तुसी अपना अपने ध्यान रखो, हाजिर रहो, हसाउंदे रहो। बाय, टेक केयर।